तो ये है हेमंत का बालवीर का केक, जिसमें हेमंत का फोटो लगा के पूरा केक बनवाया था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमने केक ऊपर से नहीं कटवाया, नीचे से थोड़ा सा कट करवाया था। हाँ जी, तो हमारे हेमंत है जो बर्थडे बॉय है, इसका जो ये ड्रेस है ये इसकी मासी चिंकी मासी ने गिफ्ट किया है। अरे पीछे से एंगल लो ना, शॉट खींचो। ए वीडियो वालों, कहाँ गई? अरे लोग आ रहे हैं, तुम नीचे। रिया दीदी है ना, रिया दीदी को बुला रहे हैं। क्या बढ़िया शॉट आएगा, समझ। हेमंत के जो भी दोस्त हैं, जय है, टिन्नी है, वो क्या नाम है, किसी प्रद्युमन आ जाओ भैया, ये बार बार बस से जैसे सवारी है ना, आगे से चढ़ाता पीछे से उतरता है, इसका ये सिस्टम है। पहले बुला रहा है, आप आओ, फिर आप तो वो अलग टाइप से कर रहा है ये काम। बोला है कि अगर मेरी पार्टी 6 घंटे चलेगी तो 6 घंटे तक सिर्फ वही बात होगी जो मैं कहूँगा, है ना। एक दूसरे को मार लो भाई, आदर्श फोटो तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद में तेरी तन्हा केला मैं तो भरता हूँ। हेमंत के लिए एक टास्क रहेगा,
हेमंत को हेमंत का गिफ्ट पापा की तरफ से सरप्राइज मिला है, जो भी छोटा मोटा सिर्फ सरप्राइज तो क्या ना, इसकी डिमांड थी मुझे वही चाहिए, लेकिन उसका टैलेंट देखा जाएगा। इस स्टेज पर एक ऐसी चीज है जो थोड़ी अटपटी है, थोड़ी अटपटी है जो स्टेज के साथ साथ होनी चाहिए। 3 मिनट का हेमंत को टाइम मिलेगा, इसलिए हेमंत की माँ का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन बात हेमंत की है, बच्चा है, उस हिसाब से चलना चाहिए। हेमंत ने अगर ढूंढ लिया तो वो सरप्राइज गिफ्ट हेमंत का, नहीं ढूंढ पाया तो गिफ्ट कैंसिल। फिर ध्यान से सुन लो हेमंत, एक ऐसी चीज है जिससे स्टेज में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है अटपटा है थोड़ा सा, ये इस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए था, ऐसी कोई चीज है, बाकी सब थीम के हिसाब से, वो एक ही चीज है जो थीम के हिसाब से नहीं है, उसमें आपका गिफ्ट मुझे नहीं पता, आपको ढूंढना है पूछो। चलो तब तक आप अपना कर लो, गाना चला दो बेबी तेरे बर्थडे पे पूरा चलाएंगे। इसने बताया केक में, इसने केक के नीचे देगा। कोई भी हेमंत को उठा लेना, हेमंत को आगे जा, तब तेरा फोटो आएगा नहीं तो चलना। बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवाएंगे, चलाने को चल जाएगा, पीछे हो जाओ सारे, गोलियां चलाओ भाई। अरे काम करो, सब बैठे हैं, बोली बोली आप देख रहे हो सचिन जो है, जो हेमंत के केक के ऊपर हेमंत का फोटो लगा हुआ था, उसको प्रॉपरली नाइफ से हटा रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हमने केक के ऊपर का फोटो कट किया ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फोटो लगा हुआ था, क्योंकि हेमंत का ड्रीम था कि वो बालवीर बने, तो हमने ऐसे बना दिया उसको बालवीर, वो खुश हो गया। तेरी इनायत तुझसे मिली है, होठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उसे तेरा चेहरा छुपा भी न पाए, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुई जो खुशी है। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, याद में तू, इरादों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है। जलाने को नहीं मिला, जलाने को नहीं मिली मुझे। केक के अंदर है, केक के अंदर गिफ्ट देखिएगा।
मेरे जाने पकड़ा दे पापा खड़े तीन मिनट का टाइमर से पहले हमने 150 रुपए के ज्यादा देखा फोटो और लगी है अभी तो ऊपर का चेहरा नहीं देखा उसका चेहरा लगा पहले आप चेहरा देखिएगा दिख नहीं रहा है अरे फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे बेटा ये गिफ्ट लेके कौन सा कमरे में सोओगे मुझे बता देना गाना चलाओ भाई भैया जी गाना चला दो रात देख लो ला दिया मेरे लिए बचाया नहीं बचाया अरे के खिलाओगे आगे रेट में अरे भैया मेरे बाजू जी मेरी बारी नहीं आई अभी पे मेरे पापा और मम्मी दोनों डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो वो फुल ऑन मस्ती ले रहे हैं फुल ऑन। वैसे ना हेमंत के बर्थडे नाइट में सबने मस्ती ली और यहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ गए, ये रही मैं, यहाँ पे शीतल, राशि, साक्षी और उस तरफ सिप्पी, सब कोई बैठे थे, खूब मस्ती की थी हमने, खूब मस्ती, ये रही सिप्पी भी। तो भाई डीजे नाइट है तो डांस तो बनता है और जब सारे एक साथ मिले ना तो और क्या ही चाहिए। तो जेठू जी को देखो कितना झूम झूम के डांस कर रहे हैं ना और यहाँ पे सबने बहुत मस्ती की है, बहुत, देखो 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 जेठू जी को, निकू जीजू को, ओहो सारा डांस इन्हीं को करना है, पीछे अनुप जीजू को, रमित भैया को, इधर राज भैया को, फौजी जीजू को, बनी भैया को, देखो कितना डांस। और अगर इनको बोलेंगे ना कि हम बीवियों के साथ डांस कर लो तो नहीं, इनको नहीं करना है, ना फौजी जीजू को, ना निकू जीजू को, ना अनुप जीजू को, ना जेठू जी को, ना राज भैया को, और अकेले देखो बस, अपने दोस्तों के साथ अलग ही मजा आता है ना।
तो यहाँ पे हेमंत के फेस पे केक लग गया था और हेमंत की दीदी ये है मंजू दीदी, जो कि प्रॉपरली पूरा ध्यान रख रही थी। देखो क्लीन कर रही है फेस। यहाँ पे मम्मी मुझे बाइट दे रही है और पापा ने मेरे मुंह के आगे हाथ रख दिया, बोले नहीं खाना है, वैसे ही छेड़ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना। तो मैंने फिर स्टार्टिंग में जब फंक्शन स्टार्ट हुआ ना तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो मैं डांस वहाँ ज़्यादा की ही नहीं। फिर थोड़ा सा मैंने बोला चलो बैठे बैठे सबके साथ थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि ये पल भी तो वापस नहीं आएंगे ना। हमारे घर के मुखिया यानी कि मेरे बड़े भैया देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। रिया ने ना सबको नचा दिया, सबको, जिनके पास से जाने को हमको डर लगता है ना उनको तक नचा दिया। पहले बड़े भैया को डांस करवाया रिया ने और अब मेरी बड़ी भाभी को, ये देखो बस मैं पीछे से ले पाई क्योंकि मैं बैक में बैठी थी। और यहाँ पे देखो खूब मस्ती की थी सबने। और ये रही ये वाली भाभी, ये अमित भैया की वाइफ, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोस्त हैं। और मैं उनको बोली हूँ चलो हम दोनों भी डांस करते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, उनको थोड़ी शर्म आती है। और यहाँ पे जैसे ही नागिन की ट्यून बजी ना सबके अंदर नागिन आ गई देखो, और सबसे ज़्यादा तो आई है अमित भैया के अंदर, देख रहे हो आप लोग, मतलब इतनी एंजॉय की है ना सबने, इतना मस्ती, ये पल मतलब हेमंत का बर्थडे ना लाइफ टाइम मेमोरेबल करवा दिया सबने। Oh,
जेलस नहीं होती है, लेकिन कम से कम ध्यान रखो, सिंगल देवर है आपका तो ध्यान रखो, दिल दुखता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तू तो डांस कर रहा, अकेले डांस कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, फिर अच्छा नहीं लग रहा। हेलो अमित भैया, आपसे एक बात, उन्होंने एक गाना लगाया मुन्नी बदनाम हो गई। नहीं मुन्नी बदनाम नहीं होगी, नहीं वो भी बदनाम, मुन्नी बदनाम नहीं होगी, इसको ये दोनों गाने ठीक नहीं है, आप कुछ नहीं हट जाएगा। अच्छा अच्छा, मेरे को करने दो, मुन्नी बदनाम हुई नहीं हुई, शिला जवान हुई नहीं हुई, अपन को क्या, अरे अपना अमित को, अपने अमित को इसी 2024 में ही शादी कराएंगे, बस मेरे को एक बार फ्री होने देना, मेरे हाथ में आने देना मेरे बच्चे को उसके बाद। लेकिन डांस तो साथ में करो यार, ऐसे मजा नहीं आता है, सब अपनी वाइफ के साथ में डांस करने को फील होता है। यहाँ पे मैं जेठू जी को लेके आके शीतल राशि और राशि के हस्बैंड जीजू से मिलवा रही थी, तो जेठू जी ने बोला मैं तो ऑलरेडी मिल चुका हूँ, बट मुझे लगा कि यार दिन में मैंने मिलवाया नहीं, कल कोई मिले ना मिले, तो इसीलिए मैंने बोला अरे चिल मारो कोई बात नहीं है, मैं एक बार मिलवाना चाह रही थी, फिर ये जीजू को लेके गए डांस के लिए। Thank you.
बहुत ज्यादा अच्छा है, जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हाँ सबसे पहले जाना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सबसे पहले आई थी ना, सबसे पहले जा रही हूँ, देख लो है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा प्यार मिला है। थैंक यू, क्योंकि तुम इतनी बिजी शक्ल से आई, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो हमारी महफिल की जान जा रही है, महफिल की शान और जान। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है भाभी को छोड़ के जाने का, क्योंकि मेरे होने से भाभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और मैं इन्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तेरे आने से पहले ही मैंने व्लॉग में बोल दिया था, मैंने सुना था कि रिया आ जाएगी ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। तो मेरे को जाना पड़ रहा है, रीजन है उसका बहुत बड़ा, और तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं रोना आ रहा है। अरे इतना एंटरटेन किया इन्होंने मेरी, सीरियसली ये लड़की बहुत, और मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लड़की से, मैं मेरे श्याम बाबा से मेरी एक ही विश है अब मेरी जिंदगी की, अब एक ही विश है, जब तक भाभी को कुछ भी नहीं होता, देखो बेबी हो या बेबी बॉय हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी हो सही सलामत हो, मेरी भाभी ऐसी हमेशा खुश रहे, कोई तकलीफ ना आए उनके पास, और अगर तकलीफ आती भी तो श्याम बाबा ने जैसे वो तकलीफ टाली थी ना आपकी आग लगने वाली, वैसे हर तकलीफ वो टाल दे और हमेशा आप खुश रहो। मेरे नन्ना से बेबी या बेबी गर्ल जो भी आने वाला है वो बहुत हेल्दी और बहुत प्यारा हो। बाकी हर फंक्शन में मैं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी तो फंक्शन कैसे होगा। तो बहुत जल्दी मिलूंगी भाभी से वहाँ पे कृषा के बर्थडे, बिल्कुल 23 तारीख को हम मिलने वाले कृषा के बर्थडे, 22 को आ जाना वहाँ, एक दिन पहले ठीक है, 22 को पक्का आपके लिए पक्का, फिर एक दिन मेरे पास घर चलना ठीक है, वहाँ इस बार टाइम लेके आना पक्का, प्रॉमिस आपसे कर, मेरे साथ दिल्ली गुड़गांव चलेगी पक्का पक्का चलेगी ठीक है, फिर याद रखना इसने प्रॉमिस किया, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, भैया का आशीर्वाद, बहुत नाम कमा, बहुत आगे जाओ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। सब ये लोग भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग, अब जल्दी मिलते हैं मैं वेट करूंगी। सचिन हेलो बेटा जी, अच्छा उतर लगे ऊपर, पावर बैंक है तो सबसे ज्यादा चाहिए ही पावर के लिए, मोबाइल करें। इतने रानोखा जैसे शहर में इतना बड़ा एक क्रिएटर्स मीट होना, सबके एक साथ एक छत के नीचे होना, एक अपने आप सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ कि संजय सर ने जितना कोऑपरेट किया सिक्योरिटी से लेकर के सब चीजों में, सर आपका धन्यवाद हम किन शब्दों से करें, वो हमारे लिए कमजोर होंगे। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सारे क्रिएटर सारे यूट्यूबर्स के बिहाफ पे सर मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा आप आए, और साथ में आपने जो सिक्योरिटी प्रदान की उसके लिए तो हम लोग शुक्रगुजार हैं। आज हेमंत का बर्थडे भी है और सम्मानित कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाएं, तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, मैम भी आई हुई हैं, इससे खुशनुमा माहौल क्या हो सकता है कि दोनों लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम के स्माइल के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मम्मी आज थैंक यू सर, मैं ही मान ली, प्लीज आप ही मान ली।
थैंक यू सर कोनी के आओ बेटे सर ना जोड़े हुए हैं चैनल में तो इनका जेठू भी आप ही हैं जेठू भैया आपका नाम है चैनल में एक मैं तो यही भी सो जाऊंगा तू मैं सुबह तू गाना गा कर करेंगे दारू पारे करेंगे दारू पारे करेंगे दारू पारे तो यहाँ पे ये सारे जितने भी आपको प्रॉप्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे आकांक्षा लेके आई थी। मैं तो भूल ही गई थी मॉम टू बी डैड टू बी मासी नाना दादा दादी मामी सब लेके आई थी क्रेजी मौसी ये वो बहुत सारे प्रॉप्स लेके आई थी। तो हम सब ने इतना सुंदर फोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह बनाए ना इतना मज़ा आ गया जो कि आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जेठू जी खिला रहे हैं फौजी जीजू को अपने हाथों से खाना और जीजू को नहीं खाने का मन है तो देखो कितने नौटंकी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्लॉग हम एंड कर रहे हैं। आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो खूब सारा प्यार देना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस नोटिफिकेशन को ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।